स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ साइंस में। दोस्तों क्या होगा अगर हम अपने दिमाग का 100% यूज कर ले, क्या हम बैठे बैठे ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं? दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में आपके सोचने का नजरिया बदलने वाला है। और अगर आप अपने आप को कभी कभी डीमोटिवेट फील करते हैं या फिर आपको लगता है कि आपसे भी बेहतर बहुत लोग हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपको पता नहीं आप अपने इस ब्रेन में कोहिनूर का कौन सा खजाना लिए घूम रहे हैं। चलिए दोस्तों शुरू करने से पहले दिमाग के कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। हमारा दिमाग कई सारे न्यूरॉन्स बनाता रहता है, जितने ज्यादा न्यूरॉन्स उतनी ज्यादा इंटेलिजेंसी। पहले ये माना जाता था कि 6 साल की उम्र तक न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हाल ही में की गई रिसर्च से ये पता लगता है कि न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में लाइफ टाइम तक चलता रहता है। दोस्तों अगर मैं ये बात आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो जैसे एक 6 साल का बच्चा अपनी लाइफ में सब कुछ नया एक्सप्लोर करता है, जैसे जैसे वो सीखता जाता है उसका ब्रेन डेवलप होता जाता है, तो वैसे ही हम अपनी लाइफ में अगर नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे तो हमारा ब्रेन भी और डेवलप होता जाएगा। दोस्तों हमारा दिमाग कुदरत की बनाई रचनाओं में से एक महान रचना है। आज हमें अपनी धरती से बाहर की दुनिया के बारे में जितना पता है उससे कई कम हमें अपने दिमाग के रहस्यों के बारे में पता है। आज दुनिया के कई बड़े देशों के साइंटिस्ट दिमाग की रचनाओं और उसके न्यूरॉन्स पे रिसर्च कर रही है। दोस्तों अब तक सबसे ज्यादा 13% तक दिमाग का यूज करने वाले इंसान का नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन था। जी हाँ, उन्होंने अपने दिमाग का 13% तक यूज किया था। कमाल है, इतना दिमाग लोग कैसे यूज कर लेते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये सब मिथ है, हमारा दिमाग ऑलरेडी 100% ही यूज करता है। अगर एक एवरेज इंटेलिजेंट इंसान का दिमाग 10% यूज कर रहा है तो बाकी का 90% उसकी बॉडी की ऑल एक्टिविटीज में यूज हो रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों, हमारा दिमाग जितना ज्यादा काम करेगा उतनी ज्यादा ऊर्जा भी खर्च करेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं, अगर एक एवरेज इंटेलिजेंट इंसान अपने दिमाग का 10% यूज कर रहा है और हम उसे बढ़ा के अगर 40% तक कर दें तो उसके अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे? आप अपने दिमाग से अपने आस पास की चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे? आप किसी के भी दिमाग में घुस के जानकारी निकाल पाएंगे? आप मुश्किल घड़ी में भी औरों के दिमाग से इतना आगे होंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इन सबके कॉम्बिनेशन पहले से ही आपके दिमाग में स्टोर होंगे। किसी भी नई चीज को सीखना आपके लिए इतना आसान होगा जैसे हम कोई कॉपी या पेस्ट करते हैं। आपका दिमाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने का एक भंडार होगा और किसी का सामना करने के लिए आपको हथियारों की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपका दिमाग अपने आसपास की चीजों को कंट्रोल कर पाएगा। दोस्तों आपने सुना ही होगा, कुछ लोग अपने गाने की आवाज से सामने रखे कांच को तोड़ देते हैं, तो वो कैसे तोड़ते हैं? शायद वो अपने दिमाग में इस चीज को फिक्स कर लेते हैं कि सामने रखी चीज पे उनका पूरा कंट्रोल है और वो अपने दिमाग के जरिए उसको तोड़ मरोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों 40% दिमाग का यूज करने के बाद आपका दिमाग बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, मतलब आपके शरीर की बहुत ज्यादा एनर्जी की खपत आपके दिमाग द्वारा होने वाली है। तो इस कंडीशन में आप 50 लोगों का खाना तो नहीं खा जाएंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग को बराबर एनर्जी नहीं मिली तो आपका शरीर मर सकता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होगा? दोस्तों क्या इतना दिमाग आने के बाद आपका दिमाग ऐसी सिचुएशन में सरवाइव करने का रास्ता तो ढूंढ ही लेगा? और अगर आपका दिमाग ये चरण पास कर लेता है तो फिर आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में। दोस्तों क्या होगा अगर आपका दिमाग 75% तक पहुंच जाए? हो सकता है आप अपनी मर्जी से किसी भी रूप में बदल जाएं, आप अपना साइज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर पाएं, और साथ ही भविष्य में क्या होने वाला है फ्यूचर देखने की पावर आपके अंदर डेवलप होने लगे। यानी भविष्य में अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है तो ये आप पहले ही देख लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्या होगा अगर आपका दिमाग 100% तक बढ़ जाए? दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके सामने से कोई चीज बहुत स्पीड में जा रही है तो वो ब्लर हो जाएगी, अगर उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी जाए तो वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी।
तो यानी दोस्तों आपकी स्पीड टाइम से ज्यादा तेज हो जाएगी, यानी आप अपने दिमाग के जरिए किसी भी टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। आप वक्त को रोक सकते हैं, आप वक्त को बढ़ा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में वैसे तो आप होंगे लेकिन किसी को दिखाई नहीं देंगे। वाओ, वैसे ये सब सुनने में सुपर हीरोज की स्टोरीज लगती है। अगर मुझे ऐसी कोई पावर मिल जाए मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। दोस्तों, हम अपने दिमाग में अगर किसी चीज को पूरे फोकस के साथ बैठा लेते हैं तो हमारा दिमाग मान लेता है कि हमें वो ही करना है। चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक कैदी को मौत की सजा सुनानी थी और कुछ साइंटिस्ट ब्रेन से रिलेटेड चीजों पे रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा हम इस कैदी को अपनी रिसर्च के लिए यूज कर लेते हैं। उसके बाद उस कैदी से कहा गया कि तुमको जो मौत की सजा सुनानी है हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे, हम तुम्हारे मुंह में एक कपड़ा बांध देंगे और तुमको सांपों से कटवाएंगे। इसके बाद उस कैदी को लगा कि मुझे जो मौत दी जाएगी वो मेरे सर पे कपड़ा बांध के और फिर मुझे सांपों से कटवाया जाएगा। उसके बाद क्या किया गया, उसके सर पे कपड़ा बांधा और उसको एक पिन चुभाई गई। लेकिन हैरान करने वाली ये बात थी, जैसे ही उस आदमी को पिन चुभाई गई उसके कुछ देर बाद वो मर गया। एक्चुअली वो अपने दिमाग में ये बैठा चुका था कि मेरे को जो मौत दी जाएगी वो सांपों से कटवा के दी जाएगी। जैसे ही उसको पिन चुभाई गई उसके दिमाग ने टॉक्सिक रिलीज करने शुरू कर दिए, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, हम अपने दिमाग में जो चीज़ बैठा लेते हैं हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करता है। दोस्तों, आप शायद काम करते करते कई बार बोर हो जाते हो या फिर थक जाते हो, लेकिन आपका दिमाग कभी नहीं थकता। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें संभावनाओं पे डिपेंड करती है। आपने मूवीज में देखा ही होगा हाईटेक चीजें, हाईटेक वेपन, जो हमें लगता था ये तो सिर्फ काल्पनिक है, लेकिन हम क्या देखते हैं कुछ सालों बाद वो असल जिंदगी में भी मौजूद होती है। तो दोस्तों, जो ख्वाब देखा जाता है बाद में वही पूरा होता है। मुझे तो डर इस चीज का है जो ज़ॉम्बीज की मूवीज बनाई जाती है, कहीं ऐसा ना हो कुछ सालों बाद हमें भी चलते फिरते ज़ॉम्बीज दिखें। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, इंसानी दिमाग इतना तिकड़मबाज है कि वो अपने सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है, किसी को हौसला देने के लिए बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।